याद है बस एक दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो एहसास दिए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, ख्वाब आंसुओं से बुने जाती है। अच्छा ये बताओ, बिरयानी खाओगे या समोसे खाओगे? पहले ये सब छोड़ें और मुझे ये बताएं कि कौन सी खबर किसको बिकी, सारा हिसाब चाहिए मुझे। लो यार हनीस भाई, कहता हूँ ना मास्टर्स मेरा काम बिगाड़ देता है, दुकान बंद करा देगा मेरी। अच्छा जब अब तुम्हें पता चली गया है तो कुछ ले दे के रफा दफा कर लेते। ऐसे कैसे रफा दफा करें? ओ भाई मेरे चलने की खबर है, बहुत महंगी जाएगी। क्यों इतनी बड़ी खबर? ओ भाई ब्रेकिंग न्यूज है, शर्फू की ब्रेकिंग न्यूज। और शर्फू भाई याद रहे, इसका हिस्सा अनीस भाई को भी मिलेगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है इस खबर के पैसे जो है अनीस से ले लेना तू। वो तो मैं ले लूंगा लेकिन इसके पैसे किससे लूंगा मैं? पूरे 10,000 की खबर है। इतनी बड़ी खबर है ना, और अनमोल अनमोल खबर है। मैंने तुम्हें चलता देखने के लिए ना नफल माने थे। नफल? और मैंने दरगाह में देगे। शर्फू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं ठीक हुआ हूँ, वरना मैंने तो बिल्कुल उम्मीद हार ली थी। हिम्मत मरता मदद खुदा। पहली बार तुमने कोई सही और मजेदार बात कही है। आर्यन के आने की खुशी में माफ कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी चटनी बना देनी थी मैंने शर्फू। और शर्फू चटनी के भी पैसे ले लेता। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ समोसे खाओगे या मिर्च मसाले वाली बिरयानी खाओगे? अरे यार अनीस भाई मैं तो बोलता हूँ अभी स्टार्टर्स में ना ऐसा करें, एक दर्जन समोसे तो लें। क्यों शर्फू भाई? अभी मंगवा लेता हूँ। छोटे जल्दी से समोसे और बिरयानी ले आ। आर्यन इससे भी छोटा अंदाजा लगा। अरे छेड़ रहे, मजाक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा तेरे साथ। अबे मजाक कर रहे हैं यार। वैसे एक बात है, तुम लोगों के जाने के बाद यूनिवर्सिटी में रौनक खत्म हो गई थी। तो क्या कहते हैं वापस रौनक ले आए? किस डॉक्टर से इलाज कराया? डॉक्टर नहीं, वो उर्वा याद है, वो जितने पेपर दिए थे। हाँ वही वही, ये सब उसी की बदौलत हुआ है, उसी ने मेरा इलाज किया है। शर्फू भूल ही गया। तुम हर बात ही भूल जाते हो। अरे क्या कोई जरूरी बात थी शर्फू भाई? इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, शर्फू फ्री में छोड़ देगा, यूनिवर्सिटी से कमाएगा भाई। ब्रेकिंग न्यूज, आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया है और यूनिवर्सिटी में आ गया है। वाकई वाकई है तो बड़ी खबर। थैंक यू थैंक यू। अनीस भाई ख्याल करना इनका। ये बात नहीं आएगा। वो सब छोड़े अनीस भाई, आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? यार मेरी इतनी किस्मत कहाँ आ रही है? मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया, आपको भी कोई फूल झाड़ू ढूंढ लेनी चाहिए अपने लिए। मजाक कर रहा मजाक कर रहा। अम्मा देख तुम्हारा बेटा कितनी तरक्की कर रहा है, अभी तुम मेरे पास होती ना तो मैं तुम्हें बाइक पर बिठाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाती और लोगों को कहता कि देखो मेरी अम्मा कैसे हवाओं में उड़ रही है, ये हमारी अपनी बाइक है, हमारी अपनी साथी। अब तो वापस आ जाओ अम्मा। हेलो जी, जी सर बिल्कुल, जी सर, सर मैं आपको 15 मिनट में सारी डिटेल बता। जी जी सर 15 मिनट में बता। ओके सर थैंक यू। अरे आप तो बहुत सुरीली हैं। वो तो है। पहले कभी आपको गाते हुए नहीं सुना ना? आप भूल रहे हैं, घर में मिलाद पहले मैं ही तो पढ़ती थी। अरे फरजाना बेगम, मिलाद पढ़ना तो अकीदत की बात होती है, लेकिन इस तरह गुनगुनाना वो भी माशाल्लाह इतना खुश होकर, ये मेरे लिए नई बात है। नई बात नहीं है। हाँ सही कहा आपने, इसमें तो कोई शक नहीं।
लेकिन हमारी शादी को 25 साल होने को है। हुरैन की पैदाइश के बाद पहली बार मैंने आज आपको इतना खुश देखा। सब खैरियत तो है ना? आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी, मैं तो हमेशा से चंचल थी। इसमें तो कोई शक नहीं, जो वक्त आपको देना चाहिए था मुझे, मैंने इन किताबों को दे दिया। इसलिए मैंने मैट्रिक के बाद आगे पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मुझे ये किताबें अपनी सौतन लगने लगी थी। एक बात पूछो, आपने कभी कहा नहीं? आप सुनने ही नहीं चाहते थे तो कह के अपने अल्फाज क्यों जाया करते? नहीं, तैयार नहीं हुई? क्या बात है, कहाँ जाने का प्लान है आप दोनों का, वो भी मुझे अकेला छोड़कर? मिशन इम्पॉसिबल पे है। आप वहां नहीं जा सकते। ऐसी कौन सी जगह जहां मैं नहीं जा सकता? क्या हो रहा है आजकल, आप दोनों की जो हरकतें हैं ना, काफी मशकूक होती जा रही हैं। अब ज्यादा ना इंस्पेक्टर जमशेद बनने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में खुद पता चल जाएगा। चलें जल्दी चलें फिर। अच्छा चलो, मैं चादर लेकर आती हूँ, तुम जाओ। हाँ, आ जाए। ओके बाबा, हम निकलते हैं। ओके बाय बाय। 50 की खबर 100 में, 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 50 की खबर 100 में। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम वो ऐसे ही बच्चे बच्चों से गपशप कर रहा था। अच्छा, गपशप हो रही थी या खबर बेची जा रही थी शर्फू? मैडम यही तो रौनक है यूनिवर्सिटी की। शर्फू, जिनके दम से इस यूनिवर्सिटी में रौनक थी ना, वो बैच तो कब का गया? गया नहीं है, उसको पास करके निकाल दिया यहाँ से। Oh my God, I can't believe my eyes. मुझे बहुत खुशी हुई आर्यन आपको देख के। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा मैडम। कर दी ना शर्फू की दुकानदारी खराब। मेरी बात सुनो शर्फू, हर खबर को ना बेचा नहीं जाता, समझे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैडम। नहीं लेकिन एक खबर और है मेरे पास। कौन सी खबर? आगे बंद करें फिर सुनाता हूँ। रंग में भंग डाल दूं शर्फू भाई? ओए रंग में भंग मत डाल, भंगड़ा डाल भंगड़ा। मुझे लगता है कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है, आप दोनों की बातें सुन के बताएं ना। आंखें बंद करें फिर सुनाता हूँ। अरे यार इतना बोलना तो बंद करके देख ले मैडम। क्यों, 50 रुपए नहीं लोगे, आंखें बंद कर पाओगे? सोच लो मैडम। कर लेना बंद। कर लेती हूँ, ये लो। खोले। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? Oh my God, Aryan, is this really you? Yes, ma'am, it's me, Aryan. मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। ओह अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितने स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से अपने पैरों पे खड़े होके जाते हैं। Really? लेकिन जितनी खुशी मुझे आपकी हुई है ना आर्यन, वो मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकती। थैंक यू मैम, ये सब आप सबकी दुआओं से हुआ है। मैं तो शफू भाई को भी यही बता रहा था कि मैंने तो उम्मीद हार दी थी। बाबा ने बताया किस तरह आप लोग ने मेरे लिए यूनिवर्सिटी में सब स्टूडेंट से मिली से दुआ कराई थी मेरे लिए। मैडम ईमानदारी से बताइए, ये खबर 1000 रुपए की थी? नहीं, 1000 रुपए की खबर शर्फू? मैं तो कहती हूँ कि इस खबर पे पूरी यूनिवर्सिटी में मिठाइयाँ बंटनी चाहिए। अरे मैम कुछ नमकीन नहीं हो सकता? वो दरअसल मुझे शुगर है ना, तो मैं ज्यादा खा नहीं पाऊंगा मिठाई। आप नहीं सुधरने वाले। अरे सुधरने से याद आया कि आपने नया कोर्स शुरू कराया यूनिवर्सिटी में, राइट? मैम मुझे इसमें एडमिशन लेना है। आई वांट टू बी द फर्स्ट वन टू जॉइन। ओह व्हाई नॉट, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। इसी खुशी में शर्फू फ्री में खबर देता है 5 मिनट के लिए। शर्फू की खबर फ्री में, शर्फू की खबर फ्री में। है ही कोई। ओह मैम, हाउ इज योर हस्बैंड? एवरीथिंग इज फाइन, ही इज डूइंग वेल। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कितने इम्तिहान लोगे रोहान, प्लीज कॉल उठा लो। फोन ही ऑफ कर दिया, मतलब किस आजमाइश में डाल दिया तूने मुझे। कितना वेट करूं मैं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे आंटी को कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीती रहो बेटा, तुम कैसी हो?
कह रहा था कि किसी प्रोजेक्ट में बिजी है। पता नहीं खुद को इतना मसरूफ करके वो करना क्या चाहता है, आखिर किससे दूर भाग रहा है। बेटा जिसने ये सब किया वो तो मजे से अपनी माँ के साथ घूम फिर रही है। थोड़ी देर पहले मैंने दोनों को कैब में जाते हुए कहीं देखा है। मेरा तो दिल चाह रहा है हुरैन का और उसकी साइंस का ना सर ही फाड़ दूं। बेटा दिल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही चाहता है, लेकिन ये सब करने का क्या फायदा। ये सब करने से रोहान ने वापस थोड़ी आ जाना है। लेकिन आंटी तसल्ली तो मिल जाएगी ना, हमदानी अंकल और फजाना आंटी को बताना बहुत जरूरी है कि उनकी बेटी एक्चुअली में है क्या। मेरा ख्याल है बेटा तुम उनसे किसी किस्म की बात मत करना, मैं फरजाना से खुद बात करूंगी। शक्ल से कितनी मासूम दिखती है और है कितनी तेज। दिल के हाल तो अल्लाह ही जानता है, अब शक्ल देखे तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। आंटी आपकी रोहान से बात होती है ना, प्लीज आप उसको मैसेज कर दें प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैंने मैसेज नहीं किया होगा? बेटे वो मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई ही नहीं करता, और अगर रिप्लाई कर भी देता है तो यही लिखा आता है कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। चले देखते हैं कि वो कब तक बात नहीं करता। मैं तो खुद तुम दोनों के लिए बहुत परेशान हो गई, सब कितना अच्छा चल रहा था। लेकिन आंटी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जिस दिन हुरैन मेरे सामने आ गई मैं उसको छोड़ूंगी। गुस्सा मत करो अलीज़े, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चल मैं फोन बंद करती हूँ, रोहान से कोई बात हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ बेटा जरूर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। काफी देर हो गई और अब तक घर वापस नहीं आई। एक घंटा पहले कहा था कि रास्ते में, पता नहीं किस मिशन पे है दोनों माँ बेटी आज। मिशन सक्सीडेड। ये कौन है? अरे खुद ही देखिए ना। कौन खातून है आप? ज्यादा ना बने। फरजाना बेगम, वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। किसका आइडिया था ये? मेरा आइडिया था। मेरी साइंस कहती है कि अब से ना अम्मी ऐसी तैयार हुआ करेंगी, रोज सुबह उठ के ऐसा ही मेकअप होगा, ऐसा ही हेयर होगा, बिल्कुल नुसरत आंटी की तरह टिप टॉप। लेकिन वो तो दफ्तर भी जाती हैं। तो क्या जरूरी है कि जो दफ्तर जाएगा वही तैयार होगा, और घर में रहने वाली खातून जो होती है वो तैयार ना हुआ करेंगी? किसने कहा आपसे? और देखिए मेरी अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे बेटा आपकी अम्मी सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि सीरत की भी बहुत खूबसूरत है। फरजाना बेगम, मैंने आपको बहुत इग्नोर किया, माफी चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप ये? सच बता रहा हूँ फरजाना बेगम, सुबह जितनी बातें हुई हैं उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, माफ कर दे मुझे। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, जो हुआ बस वो हो गया। नहीं पहले माफ करें आप। मैंने आपको माफ कर दिया। पक्का? थैंक यू। चलो इसी खुशी में आज हम लोग डिनर बाहर करेंगे। हाँ बिल्कुल, आप दोनों टाइम स्पेंड करें साथ, घूमे फिरे। मैंने आप दोनों के लिए होटल में एक टेबल भी रिजर्व करवा दिया। तो तुम साथ नहीं चलोगी? अरे एनिवर्सरी आप दोनों की है तो मैं क्यों जाऊंगी, हमें तो याद ही नहीं है। लेकिन बेटा आपके बगैर कैसे पॉसिबल है? देखिए बाबा, आप जो टाइम उस वक्त अम्मी को नहीं दे पाए और जो फरमाइश अम्मी की पूरी नहीं कर पाए, यही तो टाइम है, सब पूरी कर दें आज। बड़ी समझदारी की बातें करने लगी है। लेकिन जिंदगी ना एक बारी मिलती है तो उसको एक बारी अच्छे से जी लेना चाहिए, वक्त का क्या है वो तो गुजर ही जाता है। ये तो है। अच्छा चले आप दोनों निकले जल्दी जल्दी, शाबाश। वो मेरा वॉलेट और कार की चाबी मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। अरे बाबा थैंक यू वाली क्या बात है, आपको पता है अम्मी क्या कहती है? अम्मी कहती है कि किताबों और मोबाइल से बाहर भी एक दुनिया होती है जिनमें हमारे प्यारे रहते हैं,
और उन प्यारों को हमारी जरूरत होती है जैसे हमें हर पल उनकी जरूरत होती है। इसीलिए पास रहने से ज्यादा साथ रहना जरूरी होता है। अच्छा, ये सारी बातें आपकी अम्मा ने आपसे कही है? हाँ, बहुत बड़ी फिलोसोफर है वो। आपके साथ रह रहे के ना उनपे भी असर हो गया उनका। वैसे एक बात बताओ, आपकी अम्मी बहुत समझदार खातून है। I know. चलो चले लाइए, चले 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 चले। क्या ले गए आपके लिए? वही गोलगप्पे। जी नहीं, मैं मैसेज करके आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन लेट हो रहे, जल्दी निकले। चलो भाई चलो, चले ओके बेटा। नहीं अब्बा, खुशी हो रही है। अरे खुशी की तो बात है। हाँ अब्बा, पता है वो भी बहुत खुश हो रही थी। कौन? वो मैं, मिस सोफिया की। मिस सोफिया बहुत खुश हुई थी मुझे देख के। मिठाई भी लेनी थी मेरे लिए। हाँ बेटा, उस्ताद का दर्जा माँ बाप से अफजल होता है। तुम्हें तो उन्होंने बरसों पढ़ाया है। तुम्हारी बीमारी पर तड़प गई थी, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में खत्म भी कराया। अच्छा अब्बा, एक बात बताएं, जब मैं अस्पताल में था तो मुझसे मिलने कौन कौन आया था? रूहान, अलीजे, हुरैन तो वहीं थे, और अनीस और शर्फू रात को आ जाते थे। हैं? हाँ बेटा, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है, वरना डॉक्टर ने तो। अब्बा आप प्लीज रोएगा नहीं, वरना मेरी ना हंसी निकल जाएगी। अरे बेटा, अगर मेरे रोने से तुझे हंसी आए तो मैं सारी जिंदगी रोने के लिए तैयार। अरे अरे नहीं अब्बा, प्लीज मत रोए, मैं मजाक कर रहा था। मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। अच्छा चल, नहीं रोता। थैंक यू। अच्छा ना अब्बा छोड़े सब, पता है ना और कौन कौन आया था? नाइस क्वेश्चन। कुदरत तो कहती है कि आप मोहब्बत करें और उसका इजहार भी करें। बस कुदरत ये सब हमारे साथ ही नहीं चाहती। चाहेगी, चाहेगी, जरूर चाहेगी।